दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। मुकेश सहनी की यात्रा अब उत्तर प्रदेश में अंतिम पड़ाव पर है। बिहार में सरकार में रहने के बाद अब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। पटना को लखनऊ उन्होंने बनाया है। पटना में नेताओं का जमावड़ा है, यहीं से सिंबल दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव उम्मीदवार लड़ेंगे। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या जदयू की सरकार में आरक्षण नहीं मिल रहा है निषादों को, और निषाद के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से भी है और सरकार से भी है। मलाई भी खाएंगे, सरकार में भी रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसमें ही छेद करेंगे और सरकार के विरोध बोलेंगे, लेकिन सरकार में रह के लड़ेंगे और मलाई खा के लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जानकारी है कि चुनाव होना है, आचार संहिता लग चुका है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, तो पार्टी वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारे बड़े पैमाने पर तैयारी हम लोग पटना में कर रहे हैं और यहाँ पे सरकार में है तो बिहार के जनता को भी देखना है। तो मैंने बहुत सारा कुछ काम जो है पटना से हमने निर्णय लिया कि करेंगे, बाकी कुछ काम लखनऊ से होना है। और आप जैसे साथी तो हमारे पटना में ही हैं जो हमारी बातों को जनता तक पहुँचाएँगे, तो निर्णय लिया कि यहीं से सारे सिंबल वितरण हो। और उसके लिए आज उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जिला से साथी आज आए हैं, तो आज काउंसलिंग होना पहला और दूसरा चरण का, आज नाम का घोषणा हम करेंगे और फिर चरण बाय चरण हम इसी तरीके से घोषणा करते रहेंगे। और पूरे मेरे चुनाव प्रचार हम बिहार से ही उत्तर प्रदेश रोज जाएंगे और फिर शाम तक लौट के आएंगे, तो ऐसी हमारी प्लानिंग है और इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी साथी उत्तर प्रदेश आए, सबको पटना के धरती पे स्वागत है। पटना में इनकी अपनी सरकार है तो मजबूती से अपनी सरकार में आके अपने प्रदेश में, बिहार प्रदेश में मजबूती से यहाँ पे माछ भात खाएंगे और सिम्बल लेके जाएंगे। डायलॉग तो जब चाहेंगे तब जिस नेता से चाहेंगे उस नेता से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। मेरा डे वन में जब हम पार्टी लॉन्च किए तो उसी समय में मेरा पार्टी का नारा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन, नहीं गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा पे हम कायम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें लड़ाई लड़ना है और हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। और मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को करना है और कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी लड़ाई है कि हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे कि निषाद समाज जो है वो किसी पार्टी के पीछे घूमने वाला नहीं है। निषाद समाज जो है वो जागरूक हो चुका और अपने मुद्दे को लेके, अपने लड़ाई को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए समाज वहाँ पे खड़ा है और समाज के विचारधारा पे हमें रहना है। समाज का भी कहना है कि हमें लड़ाई लड़ना है, नहीं कि गठबंधन करना है। आज बहुत सारे साथी हैं जो गठबंधन होने से वो चुनाव जीत के शायद विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे साथी का भी कहना है कि नहीं, हमें संघर्ष करना है, अभी नहीं 2027 में लड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें लड़ाई लड़ना है, समाज को आरक्षण दिलाना। तो हमारा निर्णय है कि हम चुनाव मतलब आरक्षण चाहिए और आरक्षण नहीं होगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो इसलिए हम गठबंधन नहीं कर रहे और अकेले हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और 165 सीट से अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मैक्सिमम सीट पे जीते वो कैंडिडेट के ऊपर है, लेकिन हम 25 लाख वोट हम लाएंगे, ये हमारी टारगेट है। खास करके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि निषाद वोट हमारा जागीर है और एक MLC देने से और चीज़ें देने से ये वोट हमारे पास आ जाएगा। तो हमें हर सीट पर 15,000 वोट लाना है और हमें ये साबित कर देना कि मेरे पास 10-12% वोट है। और फिर मजबूती से अगली बार उन लोगों को सोचना है कि ये इस चीज़ से हमारे नुकसान होता है तो 2024 से पहले हमें आरक्षण लागू कर देना है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में, अभी देश में किसान भाई ने आंदोलन किया, अपनी ताकत को दिखाया और सरकार को, केंद्र सरकार को किसी बिल वापस लेना पड़ा, तो आज कहीं ना कहीं उनका फिक्र किया इसलिए उन्होंने काम किया। तो जिस रोज़ निषाद का फिक्र करने लगेंगे तो उस रोज़ निषाद का भी आरक्षण का काम होगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात तो होते रहता है, क्यों अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं, हमें क्या तेजस्वी से हमें लड़ाई है क्या, वो भी हमारे छोटे भाई हैं। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी तो लड़ाई हमारे समाज के लिए, उसके हक अधिकार के लिए है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जब विचारधारा की बात होगा तो अखिलेश जी हो या लालू जी हो, ऐसे विचारधारा के साथ हम पले बड़े जिए हैं, तो आगे भी इसी विचारधारा से पले बड़े जीना है। तो रहा कि अभी हम लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, तो अपनी इशू को जो है वो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से उनको स्वागत करूंगा कि हमारी लड़ाई को लड़े, क्योंकि गरीब समाज है, निषाद समाज, और उसमें अगर कुछ साथी अगर साथ देना चाहेंगे तो उसमें इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है,
जब चुनाव के समय में हम लोग जनता के बीच में गए थे, डबल इंजन की सरकार के बारे में बता रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, मजबूती से हम लोग काम करेंगे, युवा को रोजगार देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं दिख रहा है डबल इंजन की सरकार है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये तो बिहार के जनता मतलब इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में भी और भारतीय जनता पार्टी में टॉप नेता में भी सोचने की आवश्यकता कि ये लड़ाई क्यों। आज हमारे लिए भी बीजेपी के एक मोर्चा खोल दिए अजय निषाद को, जितना हो सकता होता दिन रात पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। तो ठीक है, अब दीजिए, हमारा भी समय है आपका गाली खाने का, खाएंगे। लेकिन जिस रोज निषाद जो है ना जग चुका है, और निषाद एक शेर है और जग चुका है, वो आपको समय आने पे बताएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने विचारधारा से अपनी बातों से सब पीछे हट रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा जोर डालना है कि 19 लाख युवा को रोज़गार कैसे मिलेगा, जो उन्होंने वादा किया वो वादा कैसे कायम होगा, तो इस पे काम करने की आवश्यकता नहीं कि वो लोग अपने आपस में लड़ते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ही बिहार के हित में नहीं है। लोगों को ज़रूरी समझना चाहिए, हम लोग तो अपने स्तर से काम कर ही ले रहे हैं, हम लोगों को तो जनता के बीच में रह के जो काम करना है कर ही रहे हैं। लेकिन ये चीज़ सारी चीज़ें जब एनडीए सरकार है और जनता ने सभी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और सबके हाथ में अगर कमान दिया, तो ये सारी चीज़ें बैठ के सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि नहीं बात हो रहा, उसके लिए बरसों बरसों अटका हुआ है। तो खैर, इस पर विचार होगा आने वाले समय में, और इस पर पार्टी को भी सोचना है। लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं मजबूती से, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और अपनी वजूद बना रहे हैं। तो एनडीए बैनर तले ही लड़ा जाएगा बिहार में, और जिस पार्टी को साथ देना वो साथ देंगे, जिसको नहीं देना वो स्वागत है, वो अपने निर्णय लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को कहना ये वो हिरिंग बिरिंग कहना है, तो वो अपना करते रहें, मैं लड़ूँगा और साथ देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो कैंडिडेट लड़ाए और मुझे उससे क्या फ़र्क गिरना है। शायद हम ना चुनाव जीते, जितते जसवी जी जीत ले, मुझे क्या फ़र्क गिरता है। बड़ा भाई ना जीते, छोटा भाई जीत ले, मुझे उससे फ़र्क नहीं गिरेगा। इसमें हम 24 सीट पे हमारी तैयारी है, हमारे लोग मजबूती से पूरे प्रदेश में 2400 सीट पे हमने लोगों को लगा दिया है। पंचायत चुनाव में भी हमने अपने यहाँ से ही जितने भी साथी को मदद करना, सारे चीज़ें बात करके सारे चीज़ कर लिया है, और उसके लिए भी अगर एनडीए में सब मिल के लड़ेंगे तो हम भी हैं, अगर नहीं अगर मिल के लड़ेंगे तो हम स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस पे एक बार तो अभी हम लोगों ने समीक्षा किया, विभागीय समीक्षा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किया है, और इसमें अगर बदलाव की आवश्यकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में बात रख के इसमें वो भी उस पर भी विचार किया जा सकता है। हम लोगों को तो हर एंगल में, हर लिहाज से हमें बिहार के जनता के ऊपर ध्यान दे के हमें हर पॉलिसी को बनाना है, और जो शराबबंदी है ये तो बहुत ही अच्छा है बिहार के लिए, लेकिन इसको सही से लागू पालन नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हम लोगों को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि ये ज़मीन पे कैसे मजबूती से पालन हो। परवाह करेंगे, गरीब का बेटा है, संघर्ष करके यहाँ आए, आगे भी संघर्ष करेंगे, ये तो सदा के लिए सब चीज़ें थोड़े है। आज हमारे पास है ये आवास, कल किसी और के पास होगा, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़े भयभीत रहना है। और जब लोगों का दिलों पे रहेंगे तो हमेशा रहेंगे, तो ये सब चीज़ को नहीं सोचना है, संघर्ष करना है।